वेलकम टू दिस लाइव लेक्चर ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। अगर आपको ध्यान में होगा, लास्ट लेक्चर वी हैड स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 2, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन दिस चैप्टर नंबर 2 दिस डिस्कशन, व्हाट वी डिड लास्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा था कि इंग्लैंड में 1760 कहां पर, आई टोल्ड यू इंग्लैंड, यहां पर एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई किसकी, सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, यानी के औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। स्टीफनसन नाम के व्यक्ति ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। इस स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद एक प्रकार से मैकेनिकल वर्ल्ड या एक मैकेनिकल इरा स्टार्ट हुई। मशीन्स वर ब्रॉट इनटू प्रोडक्शन, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा। और आपको अगर ध्यान में होगा तो हम लोगों ने प्री 1760 यानी के बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज वेल एज आफ्टर 1760 यानी के औद्योगिक क्रांति के बाद किस तरह से हालात में बदलाव आए, उसके ऊपर हमने चर्चा करी थी लास्ट लेक्चर में कि भाई प्रायर टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि बिफोर 1760 स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन होता था। ये प्रोडक्शन डोमेस्टिक यानी कि घरों में किया जाता था। इस प्रोडक्शन के लिए लोकल रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते थे, सिंपल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते थे, लोकल मार्केट में ले जाके बेच दिया जाता था। क्यों? क्योंकि मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी से काम चल जाता। इसलिए उस समय के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी बेहद सिंपल हुआ करते थे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म या जॉइंट इन फैमिली बिजनेस। सिमिलरली 1760 के बाद हालात बदल गए क्योंकि 1760 के बाद लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए हमने फैक्ट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। वर्कर्स फैक्ट्री में जाते थे और फैक्ट्री में जा करके मॉडर्न मशीन्स के ऊपर प्रोडक्शन करते थे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज लेबर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। रॉ मटेरियल्स और लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, लार्ज कैपिटल की आवश्यकता होने लगी। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होने की वजह से मार्केट जो के लोकल हुआ करते थे वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गए। दूर दूर तक गुड्स को ले जा करके बेचा जा सकता था। व्हाई? बिकॉज मेरे पास रेलवेज और वाटरवेज और एयरवेज के रूप में मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था। जाहिर बात है, इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए और लार्ज स्केल मार्केटिंग के लिए लार्ज कैपिटल की आवश्यकता थी, एफिशिएंट मैनेजमेंट की जरूरत थी, और ये सब कुछ पुराने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकते थे। इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आते हैं जॉइंट स्टॉक। हाँ, प्रीवियस लेक्चर में किया था, अब इससे आगे सेटअप कर रहे हैं। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Evolution of forms of business organization, ये आपको मिलेगा
ऑन पेज नंबर 16, पेज 16 से ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इसको ओमिट किया गया है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दूंगा, क्योंकि जब तक हम इसका आइडिया नहीं लेंगे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। सो बिफोर गोइंग ऑन टू मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सी, लास्ट लेक्चर में हमने एक शब्द के ऊपर चर्चा करी थी, रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज एक शब्द आया है इवोल्यूशन। सबसे पहले इन दोनों शब्दों का फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो हम समझ लेते हैं, एंड देन वील प्रोसीड टू इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब कभी किसी पॉलिटिकल सिस्टम में या किसी इकोनॉमिक सिस्टम में तेजी से बदलाव होता है, क्विक और सडन चेंजेस होते हैं, तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। क्रांति का मतलब होता है बहुत तेजी से होने वाले चेंजेस, क्विक एंड सडन चेंजेस। ये क्विक एंड सडन चेंजेस किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। ये क्विक एंड सडन चेंजेस पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, साइंस में हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं। ये क्विक एंड सडन चेंजेस जब होते हैं तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, और धीरे धीरे जब बदलाव या चेंजेस होते हैं तो इन धीरे धीरे होने वाले बदलाव या चेंजेस को एवोल्यूशन कहा जाता है। क्रमिक विकास, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस। जैसे कि हम अगर अपना ही एग्जाम्पल लें तो आज हम इंसान हैं, लाखों वर्ष पहले हम बंदर हुआ करते थे। इंसानों की उत्पत्ति बंदरों से हुई है, फ्रॉम चिंपांजीज या ओरैंगउटैंग्स, उस प्रजाति से धीरे 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 करके। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से आप रात में सोए हैं तो बंदर हैं और सुबह उठे तो अचानक से इंसान बन गए, नहीं। इस बंदर से लेकर के इंसानों तक का जो सफर था वो लाखों वर्षों का सफर था, इट टुक मिलियंस ऑफ इयर्स। ये जो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग के हिसाब से आप जरा ध्यान देंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब है स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे होने वाले बदलाव को इवोल्यूशन कहते हैं। और रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्विक एंड सडन चेंजेस, क्विक एंड सडन चेंजेस, अचानक से होने वाले बदलाव को जो बेहद कम समय में, दैट रेवोल्यूशन इज क्विक एंड सडन। तो ये तो हुआ दोनों का फर्क। अब हमें बात करना है एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पुराने समय से लेकर के आज तक, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के विकास या ग्रोथ को देखें, इवोल्यूशन को देखें कि किस तरह से धीरे धीरे बदलाव हुआ, तो इसमें सबसे पहले सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। इंसान ने जब पहली बार बिजनेस करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले शुरू हुआ सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। सोल ट्रेडिंग कंसर्न को हम सोल प्रोप्राइटर
प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सोल का मतलब होता है सिंगल ओनर, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिंगल ओनर है। सोल मींस सिंगल, मैं जूते के सोल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर सोल का मतलब है सिंगल, और ये सिंगल ओनर पूरा कैपिटल अरेंज करता है, पूरा बिजनेस ये खुद ही चलाता है, और जो भी प्रॉफिट होगा वो इसी को मिलेगा, जो भी लॉस होगा इसी को बेयर करना पड़ेगा। सो दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। शुरुआती समय में जब छोटे पैमाने पर बिजनेस करते थे तो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप चलता था। बदलते हुए समय के हिसाब से जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, एक अकेले व्यक्ति पूरे बिजनेस को संभाल सके यह चीज संभव नहीं थी कि भाई अकेला पर्सन पूरे बिजनेस को हैंडल कर लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर नंबर दो पर आया पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके बिजनेस करते हैं। देख, सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर है, इसमें टू और मोर पार्टनर्स होते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो ओनर है उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं या सोल ट्रेडर कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में जो ओनर होता है उसको हम पार्टनर्स कहते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, मिल करके उसे मैनेज करेंगे या चलाएंगे, और जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होगा उसे वो आपस में बांट लेंगे। दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। आपस में जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट्स या लॉसेस आपस में शेयर कर लिया। अब पार्टनरशिप के साथ साथ एक तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हुआ कि भाई मान लो मुझे किसी और के साथ बिजनेस नहीं करना है तो मैं अपने परिवार के लोगों के साथ ही बिजनेस कर सकता हूं, एंड दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत यह है कि यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिया में अलाउड है, किसी दूसरे देश में इसको मान्यता नहीं है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ना जॉइंट फैमिली सिस्टम का ही एक्सटेंशन है, जहां पर परिवार के लोग मिल के साथ में रहते हैं, इसलिए मिल करके साथ में फैमिली बिजनेस को चलाते हैं। परिवार में जो भी पैदा होगा उसे पारिवारिक संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा और फैमिली के बिजनेस में भी हिस्सा मिलेगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा फैमिली मेंबर्स आपस में इसको बराबर से बांट लेंगे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको बराबर का हिस्सा मिलता है क्योंकि परिवार में सब बराबर होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में परिवार का जो मुखिया है उसको हम कर्ता कहते हैं क्योंकि सब कुछ वही करता है, और बाकी के जो परिवार के मेंबर्स हैं उन्हें हम कोपार्टनर्स कहते हैं। ये सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर के फैमिली के बिजनेस को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हैं। तीन पीढ़ी तक परिवार में जो भी पैदा होगा उसे बिजनेस में हिस्सेदारी अपने आप मिल जाएगी। पर ध्यान रहे, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिया में ही रिकॉग्नाइज है, किसी दूसरे देश में रिकॉग्नाइज नहीं है। ध्यान रखें कि इसमें सिर्फ हिंदू फैमिली मिलकर के बिजनेस चला रही है। यह हुआ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब तकरीबन देखो, सरकार ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को
चलाने के हिसाब से, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल, मॉनिटर और रेगुलेट करने के हिसाब से कुछ नियम बनाए हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन को सरकार कंट्रोल करती है थ्रू, यू कैन से, जनरल लॉज, जो साधारण नियम है जो सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है, या तो फिर शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जीएसटी का कानून है, ये जो कानून जो सब पर अप्लाई होते हैं, वो सोल ट्रेडिंग पर कोई विशेष कानून नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप की एक्टिविटीज को कंट्रोल और गवर्न करने के लिए सरकार ने एक विशेष कानून बनाया है। उस कानून को हम कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक अलग कानून बनाया है सरकार ने, जिसके जरिए पार्टनरशिप की एक्टिविटीज को कंट्रोल और मॉनिटर किया जाता है। जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस के लिए भी सरकार ने कानून बनाया है। पहले ये कानून नहीं था, पहले ये हिंदू लॉ के मुताबिक चलता था, यानी कि हिंदू सभ्यता के जो नियम कायदे कानून है उसके मुताबिक चलता था। फिर सरकार ने पार्लियामेंट में कानून पास किया, उस कानून का नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। कर्ता की जब डेथ हो जाती है, कर्ता परिवार का मुखिया है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो बाकी के जो परिवार के सदस्य है उसमें से जो भी सबसे एल्डरली पर्सन होगा वो कर्ता की जगह पे ले लेगा। पार्टनरशिप में मिनिमम भी 1% होता है, मैक्सिमम भी 1 होता है। देख सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप में मिनिमम भी 1% है, मैक्सिमम भी 1% है। पार्टनरशिप अगर स्टार्ट करना है तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, एटलीस्ट देर मस्ट बी 2%, और मैक्सिमम की लिमिट अब 50 तक कर दी गई है, पहले 20 तक की थी। मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस करेंगे तो बैंकिंग बिजनेस करेंगे तो 10, ऑर्डिनरी बिजनेस करेंगे या अदर बिजनेस करेंगे तो 20 है, उसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। जॉइंट इनटू फैमिली में परिवार के सदस्य कितने भी हो सकते हैं, बट परिवार के लोग ही इसमें मेंबर्स रहेंगे। इसके बाद बदलते हुए समय के हिसाब से ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थी ना, ये हमें देखने को मिलती थी 1760 के पहले। 1760 के बाद, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने लगे, इसलिए हमें लार्ज कैपिटल की आवश्यकता होने लगी, एफिशिएंट मैनेजमेंट की जरूरत थी, और ये सब कुछ ये जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। एंड देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें देर आर मेनी शेयर होल्डर्स, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, और इन बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिल करके कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, कंपनी को शुरू करके चलाया जाता है, और कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दिया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, कंपनी पब्लिक भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ घर परिवार के या जान पहचान के लोग होते हैं, जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स की आवश्यकता होती है। प्राइवेट कंपनी अगर स्टार्ट करना है तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना है तो मिनिमम 7 मेंबर्स की आवश्यकता होती है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए सरकार ने एक विशेष कानून बनाया है, उस विशेष कानून का नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट। यह कानून पहले बनाया गया था 1956 में,
समय समय पर इस कानून में बदलाव किया गया है। पिछली बार इस कानून में जो बदलाव हुआ था वो 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013। इसलिए इसको कंपनीज एक्ट 2013 भी कहते हैं। मूल कानून कब का है? 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। पिछली बार अमेंडमेंट कब हुआ? 2013 में। तो आप इसको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 भी कह सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए विशेष कानून। इसमें कोई इक्का दुक्का मालिक नहीं होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो शेयर्स खरीद के कैपिटल देते हैं। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है मगर वो कंपनी को मैनेज नहीं करता है, कंपनी को मैनेज करने के लिए वो लोग डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है आपस में बांट लिया जाता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ साथ एक और एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में आइडिया दिया था, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में, सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपसे कहा था वॉलंटरी एसोसिएशन है, कुछ लोग मिल करके अपनी इच्छा से इसको शुरू करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स की आवश्यकता है, मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। देयर इज नो लिमिट, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। सारे मेंबर्स मिल करके जनरल बॉडी मिलती बनती है। जनरल बॉडी मैनेजमेंट का कामकाज नहीं संभालती है, मैनेजमेंट का कामकाज मैनेजिंग कमेटी के हाथ में दिया जाता है, और मैनेजिंग कमेटी को मदद करने के लिए देयर इज द सेक्रेटरी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलेंटरी एसोसिएशन बराबर है, स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स की आवश्यकता है। सरकार ने विशेष कानून बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, लेकिन हर राज्य ने अपने अपना कानून भी बना करके रखा हुआ है। देयर इज द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 में ये कानून बना। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि आप महाराष्ट्र में स्टार्ट करते हैं तो आपको इसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी काम के लिए शुरू किया जा सकता है, बट ज्यादातर बेसिकली कोऑपरेटिव का उद्देश्य प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स होता है। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये पोस्ट 1760 आपको देखने के लिए मिलेंगे, 1760 के बाद। Why? Because इन दो ऑर्गेनाइजेशंस में कैपिटल रेज करने की क्षमता ज्यादा है, लार्ज कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे, देखो बेसिकली ये सारी चीजें आपको तो उम्मीद कर दी गई है लेकिन फिर भी बताना था, क्योंकि जब तक हम इस इवोल्यूशन के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे हम सीधा जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि ग्राउंड फ्लोर बनाए बिना तो फर्स्ट फ्लोर नहीं बना सकता रे। भले ही ग्राउंड फ्लोर ओमिट कर दिया है लेकिन तेरे को स्टिल्ट पार्किंग तो देना पड़ेगा, खंबे तो लगाने पड़ेंगे। मैंने यही खंबे लगाए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग और उसके फीचर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा एक रीडिंग मार लीजिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद मीनिंग डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसको डिस्कस करने के लिए मेरे हिसाब से लाइक अभी एक 3-1 लेक्चर तो और जाएंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ, और एकदम जरूरी हो तो ही बाहर जाएं, वरना घर पर ही रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।